It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा यूरोपियन सेटलमेंट, देखा फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और मद्रास सेटलमेंट। तो आज हम बात करते हैं बॉम्बे सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन कलकत्ता। तो बॉम्बे की ब्रीफ में हम हिस्ट्री देखते हैं, पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ बॉम्बे। द पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ बॉम्बे वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मद्रास। द पोर्तुगीज एक्वायर्ड द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम सुल्तान बहादुर शाह। तो पोर्तुगीज ने ये जो बॉम्बे आइलैंड था वो सुल्तान बहादुर शाह से लिया था। एंड हु वॉज द किंग ऑफ गुजरात इन 1534 एंड ऑनवर्ड्स इट वॉज अंडर द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द पोर्तुगीज। सो 1534 से जब से ये पोर्तुगीज ने बहादुर शाह से लिया, तब से पोर्तुगीज का इस पर कंट्रोल था। तो बाद में क्या हुआ, द किंग ऑफ पोर्तुगाल अल्फोंसो सिक्स, ये जो किंग ऑफ पोर्तुगाल था अल्फोंसो सिक्स, गेव बॉम्बे इन डाउरी टू द किंग ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स सेकंड। तो इसने ये डाउरी करके चार्ल्स सेकंड को दिया। व्हेन द चार्ल्स सेकंड मैरिड सिस्टर प्रिंसेस कैथरीन इन 1668, तो अल्फोंसो सिक्स ने ये बॉम्बे आइलैंड चार्ल्स सेकंड को एज ए डाउरी करके दिया। चार्ल्स सेकंड थॉट दैट बॉम्बे बीइंग वेरी बैकवर्ड प्लेस वाज इकोनॉमिकली नॉट प्रॉफिटेबल एंड इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सरसाइज कंट्रोल फ्रॉम इंग्लैंड। देयरफॉर ही ट्रांसफर्ड बॉम्बे टू द कंपनी इन 1668 फॉर अ वेरी नॉमिनल एनुअल रेंट ऑफ 10 पाउंड्स। जब चार्ल्स सेकंड को ये डाउरी एज ए डाउरी मिला अल्फोंसो सिक्स से, तो उसको लगा कि ये बॉम्बे एरिया बहुत ही बैकवर्ड है। तो उसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही नॉमिनल जो रेंट था एनुअल 10 पाउंड्स, उसको ये 1668 में दिया। एंड द चार्टर अथोराइज द कंपनी टू लेजिस्लेट एंड एक्सरसाइज जुडिशियल अथॉरिटी इन द आइलैंड ऑफ बॉम्बे, सच लॉज शुड बी इन कंसोनेंट विद द लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से कंपनी को बॉम्बे में भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के राइट्स मिल गए, लेकिन एक कंडीशन थी कि जो भी लॉज ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी वो लॉज इंग्लैंड के लॉज के अगेंस्ट ना हो। तो ये सुल्तान बहादुर शाह थे जिनसे बॉम्बे आइलैंड पोर्तुगीज ने लिया था। अल्फोंसो सिक्स जिसने ये आइलैंड चार्ल्स सेकंड को दिया। अब देखते हैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो था बॉम्बे का वो स्टार्ट हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सर जॉर्ज ऑक्सेंडन रिसीव्ड द कंपनीज ऑर्डर्स इन सितंबर 1668 टू विजिट द बॉम्बे एंड एस्टेब्लिश गवर्नमेंट अंडर डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल। तो ये जॉर्ज ऑक्सेंडन जो था वो यहाँ पे आया 1668 में टू विजिट द बॉम्बे एंड टू एस्टेब्लिश गवर्नमेंट अंडर डिप्टी गवर्नर एंड काउंसिल। बट आफ्टर द डेट ऑफ ऑक्सेंडन इन 1669 लॉज एक्चुअली केम इन टू फोर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। तो उसकी डेथ के बाद ही जो लॉज थे बनाए हुए वो इम्प्लीमेंट हो गए। थॉमस पेपिलॉन ड्राफ्टेड दीज लॉज विच वेयर रिवाइज्ड बाय द सॉलिसिटर जनरल एंड फाइनली दीज लॉज वेयर ब्रॉट टू बॉम्बे बाय गेरोल्ड एंगियर द गवर्नर ऑफ सूरत इन 1670। जॉर्ज ऑक्सेंडन की मौत के बाद थॉमस पेपिलॉन जो था, उस थॉमस पेपिलॉन ने ये सब लॉज ड्राफ्ट किए, रिवाइज किए सॉलिसिटर जनरल ने एंड फाइनली लॉज वेयर ब्रॉट टू बॉम्बे बाय गेरोल्ड एंगियर। अब इस गेरोल्ड एंगियर को फाउंडर ऑफ बॉम्बे भी कहा जाता है, तो उसने पूरा बॉम्बे को बनाया। एंड द गवर्नर ऑफ सूरत, जो गवर्नर था सूरत का 1670 में, वो बॉम्बे आया। द चार्टर ऑफ 1668, अब ये चार्टर जो है कन्फर्ड फुल पावर्स प्रिविलेजेस एंड जुरिसडिक्शन ऑन द कंपनी टू मेक लॉज ऑर्डिनेंसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द गुड गवर्नर्स फॉर बॉम्बे एंड कुड इम्पोज पेनल्टीज पनिशमेंट्स, बट दीज लॉज वेयर टू बी कंसोनेंट विद द लॉज ऑफ इंग्लैंड एंड द चार्टर कंटेन द फुलेस्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ आइलैंड, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। तो ये जो चार्टर ऑफ 1668 था वो पूरे पावर्स एंड प्रिविलेजेस देता था कंपनी को, that company can make laws, ordinances and constitutions for the good governance of Bombay. लेकिन एक कंडीशन थी, जैसे मैंने पहले बताया कि
ये सारे जो लॉज हो गए वो इंग्लैंड के लॉज के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। गेरोल्ड एंगियर हु मेड द बॉम्बे, जैसे हमने पहले देखा मद्रास कैसे बनाया, तो यहाँ पे गेरोल्ड एंगियर वो एक बॉम्बे का निर्माता उसे कहा जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे, जुडिशियल रिफॉर्म्स, अब जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। व्हेन इन 1670 गेरोल्ड एंगियर रीऑर्गेनाइज्ड ओल्ड जुडिशियल सिस्टम एंड विच वेयर इनिशिएटेड बाय ऑक्सेंडेन, गिवन अ फाइनल शेप एंड वेयर क्लासिफाइड इनटू सिक्स सेक्शंस। जो जॉर्ज ऑक्सेंडेन ने लॉज ड्राफ्ट किए थे, लॉज बनाए थे, उसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गेरोल्ड एंगियर ने, और उसको सिक्स कैटेगरीज में उसको क्लासिफाई किया। अब वो कैटेगरीज कौन सी थी? फ्रीडम ऑफ वर्शिप एंड रिलीजियस बिलीफ्स, इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जुडिकेचर टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ लैंड एंड हाउसेस, मिसलेनियस जिसमें डीलिंग्स विद पेनल्टीज फॉर डिफरेंट क्राइम्स, मिलिट्री डिसिप्लिन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिवोल्ट, डेथ पेनल्टी वॉज गिवन फॉर म्यूटिनी, सेडिशन, इंसरेक्शन और रिबिलियन। तो इन शॉर्ट इसको हम कह सकते हैं कि जो एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो सिविल जस्टिस था, रिगार्डिंग सिविल हो, क्रिमिनल हो या ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड्स हो, तो इसको पूरा रीऑर्गेनाइज करके गेरोल्ड एंगियर ने उसको सिक्स कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। एंगियर इम्प्रूव्ड द जुडिशियल सिस्टम ग्रेजुअली एंड द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिविजन्स। तो गेरोल्ड एंगियर ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की जा सकती है, और इस हेतु पुरस्सर उसने क्या किया, बॉम्बे को दो भागों में डिवाइड किया। सो पहला जो डिवीज़न थी वो बॉम्बे, मजगांव एंड गिरगांव, ये पहली डिवीज़न थी। दूसरी थी माहिम, परेल, सायन एंड वरली। तो इसको बॉम्बे में दोनों डिवीज़न में उसको सेपरेट किया गया। सेपरेट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच डिवीज़न एट बॉम्बे एंड माहिम। तो इस दोनों डिवीज़न के लिए एक सेपरेट कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टेब्लिश किया, एक था बॉम्बे में और एक था माहिम में, माहिम जो कि इसका दूसरा डिवीज़न था। ईच कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 5 जजेस, द कस्टम्स ऑफिसर्स ऑफ ईच डिवीजन एंड इंग्लिशमैन वॉज एम्पावर्ड टू प्रिसाइड ओवर रिस्पेक्टिव कोर्ट एंड 3 जजेस फॉर्म द कोरम ऑफ द कोर्ट। तो हर एक कोर्ट में 5 जजेस होते थे, जो इंग्लिश ऑफिसर था वो इसको प्रिसाइड करता था, और इसका जो कोरम था वो 3 जजेस भी अगर होते तो इसका कोरम हो जाता था। सम इंडियंस वेयर ऑल्सो अपॉइंटेड टू हेल्प द इंग्लिश जजेस एज दे वेयर नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन लॉज। अब जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे दे वेयर नॉट अवेयर अबाउट द इंडियन लॉज, इसलिए जो इंडियंस थे इंडियंस को भी इसमें अपॉइंट किया गया, और वो इंग्लिश ऑफिसर्स को असिस्ट करते थे। द कोर्ट्स वेयर ऑथोराइज टू हियर, ट्राई एंड डिटरमाइन केसेस ऑफ स्मॉल थेफ्ट्स और सिविल एक्शंस अप टू 20 ज़ेराफिन्स। अब ये कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो जुरिस्डिक्शन था कि छोटे छोटे जो थेफ्ट के केसेस हैं और सिविल एक्शंस हैं अप टू 20 ज़ेराफिन्स। अभी ज़ेराफिन जो है वो ज़ेराफिन एक पुर्तुगीज़ कॉइन हुआ करता था, 20 ज़ेराफिन का वैल्यू था 150 रुपीज़। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि पैगोडा, पैगोडा वॉज ऑल्सो पुर्तुगीज़ गोल्ड कॉइन, यहाँ पे ज़ेराफिन। द अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ईस्ट डिवीज़न वॉज अलाउड टू द कोर्ट ऑफ डेप्यूटी जनरल एंड काउंसिल। अपील जो था वो डेप्यूटी गवर्नर और काउंसिल को जाता था। जैसे हमने पहले देखा मेयर्स कोर्ट हो, एडमिरल्टी कोर्ट हो, चोल्ट्री कोर्ट हो, तो इन सब के अपील जो थे वो गवर्नर जनरल और काउंसिल को जाते थे। तो यहाँ पे भी सारे अपील जो थे इस कोर्ट से वो काउंसिल को जाते थे। ये पोर्तुगीज़ कॉइन है ज़ेराफिन, जिसकी वैल्यू 150 रुपीज़ हुआ करती थी उन दिनों में। द कोर्ट हैड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन इम्पॉर्टेंट फेलोनीज विच वेयर टू बी ट्राइड विद द हेल्प ऑफ जूरी। फेलोनीज के भी कुछ केसेस जूरी की मदद से किए जाते थे। अब देखते हैं इसके डिफेक्ट्स क्या थे। अब हम हर एक कोर्ट का जो रिओर्गनाइजेशन है वो देखेंगे, और उसके डिफेक्ट क्या है वो भी देखेंगे, और आगे जाके जो बाकी गवर्नर्स आए उन्होंने इस डिफेक्ट को कैसे इम्प्रूव किया वो भी हम देखेंगे। अब डिफेक्ट है, इट वॉज रियलाइज्ड विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स दैट ओल्ड जुडिशियल सिस्टम ऑफ 1670 वॉज डिफेक्टिव इन वेरियस रिस्पेक्ट्स। तो बाद में पता चला कि हर एक रिस्पेक्ट में इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं,
Unger himself was not satisfied with the working of the courts. Judges had no knowledge even the elementary principles of law. खुद जो Unger था, Gerold Unger, वो भी satisfied नहीं था, क्योंकि जो judges थे उनको law का knowledge नहीं था. Even they were not aware about the elementary principles of English law. They were merely traders. The judicial and executive powers were exercised by the same persons. Unger requested the company to provide persons who were experts in law. और जैसे हमने शुरुआत से देखा था कि जैसे कंपनी इंडिया में आई तो जो ट्रेडर्स थे वो जजेस का भी काम करते थे, तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम थी, वही दिक्कत थी कि जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको ही जज करके अपॉइंट करना पड़ा. इसलिए Unger खुश नहीं था, तो उसने कंपनी से डिमांड की कि जो एक्सपर्ट्स इन लॉ है उनको थोड़ा इन्वाइट किया जाए. Unger सिलेक्टेड जॉर्ज विलकॉक्स, विथ हुज एडवाइस ही प्रिपेयर्ड अ न्यू प्लान इन 1672 फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे. तो Unger की रिक्वेस्ट से कंपनी ने जॉर्ज विलकॉक्स को भेजा, और जो जॉर्ज विलकॉक्स है उसकी मदद से उसने एक नया प्लान बताया, उसे न्यू प्लान ऑफ 1672 भी कहते हैं. अब ये जुडिशल प्लान ऑफ 1672 क्या है? विच इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश लॉ इन टू बॉम्बे एंड रिकॉल्ड दैट इन द जुडिशल प्लान ऑफ 1670 द पोर्तुगीज लॉज एंड द कस्टम्स वेयर लेफ्ट अनटच्ड. तो उसके प्लान के तहत जो पोर्तुगीज लॉज थे उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, जो भी कस्टम्स ट्रेडिशंस थे वो अनटच्ड रहेंगे. दे वेयर टोटली एबॉलिश्ड अंडर द न्यू प्लान विद दिस चेंज एंड द ओल्ड लॉज ऑल्सो केम टू एन एंड इन बॉम्बे. तो जो भी पुराने लॉज थे वो भी ख़त्म हो गए. द जुडिशियल मशीनरी वॉज अगेन ऑर्गेनाइज एंड न्यू सेंट्रल कोर्ट नोन एज द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड इनॉग्रेटेड ऑन 8 August 1672 बाय दी देन गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे Gerold Unger. तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को, जुडिशरी को पूरा रिऑर्गेनाइज करके एक नया कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, जिसका नाम था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, उसका इनॉग्रेशन किया गया 1672 में, जब Gerold Unger बॉम्बे का गवर्नर था उसके हाथ से उसका इनॉग्रेशन किया गया. ही एम्फसाइज दैट ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड हैड एन इक्वल टाइटल एंड राइट टू जस्टिस. जैसे Gerold Unger वॉज अनबायस्ड एंड वेल लर्न्ड इन लॉ, अच्छा एक्सपर्ट था, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि बॉम्बे के जो भी इनहेबिटेंट्स हैं उनको एक इक्वल जस्टिस मिल सके. अब इस कोर्ट को, जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 1672 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसका जुरिस्डिक्शन क्या था? ओवर ऑल सिविल क्रिमिनल एंड टेस्टामेंट्री केसेस. तो सिविल क्रिमिनल और टेस्टामेंट्री केसेस वो डिस्पोज करता था. जॉर्ज विलकॉक्स वॉज अपॉइंटेड इट्स जज असिस्टेड बाय अदर जस्टिसेस. द कोर्ट सैट वंस अ वीक टू ट्राई सिविल केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी. द कोर्ट चार्ज्ड अ फी ऑफ 5% ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सूट फ्रॉम द लिटिगेंट्स एंड जज वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस. तो सिविल क्रिमिनल और टेस्टामेंट्री जुरिस्डिक्शन था इस कोर्ट को. जॉर्ज विलकॉक्स जो था इसका पहला जज था, एंड कोर्ट जो था हफ्ते में एक बार बैठता था. द कोर्ट चार्ज्ड अ फी ऑफ 5% ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सूट, एंड जजेस जो थे उनको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती थी, एंड जजेस वेयर प्रोहिबिटेड टू कैरिंग प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस. अब जो पहले से ट्रेडिशन था कि जो ट्रेडर्स जजेस अपॉइंट होते थे, अब वो जो ट्रेडिशन था वो बंद हो गया, और अब जो जजेस हो गए वो ट्रेड नहीं कर सकेंगे. इसके लिए सैलरी ऑफ 2000 रुपीज़ पर ईयर वॉज गिवन. आप सोच सकते हैं 1670-72 में 2000 रुपये की कितनी वैल्यू हुआ करती थी, जहाँ पे एक और दो आने में बहुत सारी चीज़ें आया करती थी. तो उस समय 2000 रुपये मतलब बहुत बढ़िया अमाउंट थी. इसका एक गुड फेथ में एक Gerold Unger का पर्पज़ था कि जो ट्रेडर्स थे वो इसमें ना आ सके. अपील फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वॉज अलाउड टू द डिप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल. तो जैसे हमने देखा कि अपील जो था वो डिप्यूटी गवर्नर और काउंसिल को जाता था. जूरीज वेयर ड्यूली एम्प्लॉयड एंड पेड. जूरीज को भी पेमेंट दी जाती थी.
Attorneys were allowed to practice. English procedure including arrest and imprisonment was followed. तो जितने भी सारे लॉज थे इस कोर्ट्स में वो इंग्लिश लॉज अप्लाई किए जाते थे. क्रिमिनल कोर्ट क्या था? जस्टिसेस ऑफ पीस वेयर अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर क्रिमिनल जस्टिस. फॉर दिस पर्पज बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू फोर डिविजन्स. क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के लिए जस्टिसेस ऑफ पीस अपॉइंट किए गए और इस पर्पज़ के लिए बॉम्बे जो था वो चार डिविजन्स में इसको डिवाइड किया गया. बॉम्बे, माहिम, मजगांव एंड साइन. इन ईच डिविजन जस्टिस ऑफ पीस एंड इंग्लिशमैन वॉज अपॉइंटेड. कोर्ट मेट वंस अ मंथ टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस विथ असिस्टेंस ऑफ ऑल द जस्टिस ऑफ पीस. तो महीने में एक बार ये कोर्ट बैठता था और जितने भी सारे केसेस थे वो जस्टिसेस ऑफ पीस इसको देखते थे. कोर्ट ऑफ कंसाइंस भी था, जैसे हमने सिविल जुरिस्डिक्शन देखा, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन देखा. अब ये कोर्ट ऑफ कंसाइंस जो था वो टू डिसाइड पेटी सिविल केसेस वंस अ वीक. द कोर्ट डेल्ट समरी विथ सिविल केसेस अंडर 20 ज़ेराफिन्स एंड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वॉज फाइनल एंड नो अपील. अब जो छोटे छोटे सिविल केसेस थे अप टू 20 ज़ेराफिन्स वो कोर्ट ऑफ कंसाइंस में जाते थे और इस कोर्ट का जो डिसीजन था वो फाइनल था. इस कोर्ट से कोई भी अपील आगे नहीं जाता था. नो कोर्ट फी वॉज चार्ज फ्रॉम पुअर पर्सन एज कोर्ट बिकेम फेमस एज पुअर मंस कोर्ट. अब ये जो कोर्ट कंसाइंस था, कोर्ट ऑफ कंसाइंस, उसमें कोई भी फी चार्ज नहीं की जाती थी क्योंकि इसको पुअर मंस कोर्ट कहा जाता था. जॉर्ज विलकॉक्स जज ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर द कोर्ट ऑफ कंसाइंस विच मेट ओनली वंस अ वीक टू डील विद पेटी सिविल केसेस. जॉर्ज विलकॉक्स था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का जज, वो यहाँ भी बैठता था और हफ्ते में एक बार ये कोर्ट का वर्किंग चलता था. जॉर्ज विलकॉक्स फर्स्ट जज ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर डाइड इन 1674. अनफॉर्चुनेटली जॉर्ज विलकॉक्स जो एक अच्छा जज था उसकी डेथ 1674 में हो गई. जेम्स एडम्स वॉज चूजन टू सक्सीड विलकॉक्स बट ही वॉज नॉट वेल वर्स्ड इन लॉ एंड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हिज असिस्टेंट निकोल्स वॉज अपॉइंटेड जज इन हिज पीस. इन 1677 निकोल्स वॉज सस्पेंडेड एंड डिसमिस्ड बाय द काउंसिल ऑन वेरियस चार्जेस. जॉर्ज विलकॉक्स के बाद एडम्स को अपॉइंट किया गया, लेकिन एडम्स जो था उसको लॉ का इतना नॉलेज नहीं था, तो उसका जो असिस्टेंट था निकोल्स उसको इस सीट पे अपॉइंट किया गया, लेकिन निकोल्स के भी ऊपर चार्जेस लगाए और उसको सस्पेंड किया गया. फिर बाद में किंगविंस रिबिलियन आया बॉम्बे में विच बिगैन इन डिसम्बर 1683 गेव अ डेथ ब्लो टू अंगेयर्स जुडिशियल सिस्टम इन बॉम्बे. तो इस रिबिलियन की वजह से जो अंगेयर ने अच्छा सेटअप बनाया था उसको थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ. एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद काउंसिल 1684 to 1690. सो ड्यू टू किंगविंस रिबिलियन बॉम्बे वॉज इंटरप्टेड एंड आफ्टर रिबिलियन एफर्ट्स वेयर टू सेटअप रेगुलर जुडिशियल सिस्टम एट बॉम्बे. सो एज पर चार्टर ऑफ 1683 विच वॉज ग्रांटेड बाय चार्ल्स सेकंड एस्टेब्लिश्ड कोर्ट्स एट सच प्लेसेस एज द कंपनी माइट डायरेक्ट फॉर मैरिटाइम कॉजेस ऑफ ऑल काइंड्स. तो चार्ल्स सेकंड ने जो एक चार्टर दिया था 1683 में, उस चार्टर के तहत कंपनी की अथॉरिटी थी कि वो अलग अलग सेंटर्स वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकें फॉर द मैरिटाइम कॉजेस ऑफ ऑल काइंड्स. All cases of trespasses, injuries and wrongs done or committed upon the high seas or in Bombay. And court was held by a learned judge in civil law, assisted by two persons chosen by the company. तो इस court में दो judges थे, वो civil law के experts थे and उनको assist और दो persons करते थे. Such courts were required to decide cases according to the rules of equity and good conscience and the laws and customs of merchants. Accordingly, Admiralty Court was established at Bombay in 1684. Dr. St. John, a person learned in civil law, was selected by the company at England to be appointed as judge advocate of the Admiralty Court. तो जैसे Admiralty Court की शुरुआत हमने देखी थी, जो Admiralty Court जो seas के matter, ships के matter देखता था, बॉम्बे में भी Admiralty Court की establishment 1684 में हुई. Dr. St. John जो था वो सिविल लॉ का अच्छा एक्सपर्ट था, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया गया. जॉन चाइल्ड, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एट सूरत, वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द थियोरी ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एडॉप्टेड बाय जॉन इन हिज जुडिशियल डिसीजंस. तो जॉन चाइल्ड जो था वो नाखुश था कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का
मिक्सिंग हो रहा है उसके लिए। और उसने क्या किया, जो एक मेंबर था जॉन वॉक्स, हु वॉज द मेंबर ऑफ द काउंसिल अपॉइंटेड टू प्रिसाइड ओवर दिस कोर्ट इन प्लेस ऑफ डॉक्टर सेंट जॉन, विच डेवलप्ड द एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड चीफ जस्टिस। डॉक्टर सेंट जॉन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द ट्रांसफरिंग ऑफ हिज पावर्स टू वॉक्स। तो उनके बीच में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। द कोर्ट प्रैक्टिकली सीज टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड ड्यू टू स्ट्रांग पोजिशन ऑफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन लंडन। तो जो लंडन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस था वो भी इसमें था। अब सिद्दी याकूब्स इन्वेजन एंड सेटबैक टू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सिद्दी याकूब ने मीनवाइल बॉम्बे के ऊपर आक्रमण किया, जो बना बनाया सेटअप था वो पूरा बिगड़ गया। तो इसलिए जो ये पीरियड था उसको ब्लैक पीरियड ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं, डार्क पीरियड ऑफ बॉम्बे भी कहते हैं। एम्परर जो था इन्वेडेड मुंबई एंड जुडिशियल सिस्टम केम टू एन एंड। सो फ्रॉम 1690 टू 1702 पीरियड ऑफ 12 ईयर्स इज नोन एज द डार्क पीरियड ऑफ बॉम्बे, क्योंकि उस समय तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रॉपरली वर्क नहीं हुआ करता था। सो रिवाइवल ऑफ जुडिशियल मशीनरी, तो 1728 तक रिवाइवल ऑफ जुडिशियल मशीनरी हुई। इनॉग्रेटेड द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑन 25 मार्च 1718 बाय गवर्नर चार्ल्स बून, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर एंड काउंसिल। सो चार्ल्स बून के लीडरशिप में एक कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना 1718 में हुई। इसका जो जुरिसडिक्शन था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का कंसिस्टेड ऑफ 10 जजेस, इसमें 10 जजेस थे। चीफ जस्टिस एंड 5 जजेस विल बी इंग्लिश, द रिमेनिंग 4 वेयर रिक्वायर्ड टू बी इंडियंस रिप्रेजेंटिंग 4 कम्युनिटीज, नेमली हिंदूज, मुस्लिम्स, पोर्तुगीज, क्रिश्चियंस एंड पारसीज। जो 10 में से 5 जजेस थे वो कंपल्सरीली इंग्लिश पर्सन हुआ करते थे, और 5 में से 4 जजेस इंडियंस हुआ करते थे रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कम्युनिटीज। ऑल इंग्लिश जजेस वेयर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल एंड एन्जॉयड अ स्टेटस सुपीरियर टू इंडियन जजेस। 3 इंग्लिश जजेस फॉर्म्ड द कोरम ऑफ द कोर्ट, कोर्ट मेट वंस अ वीक। 3 जजेस भी हुआ करते थे तो वो कोरम हो जाता था, हफ्ते में एक बार ये कोर्ट बैठता था। ऑल दीज इंडियन जजेस वेयर नोन एज द ब्लैक जस्टिसेस, जैसे हमने ब्लैक टाउन देखा चोल्ट्री कोर्ट के समय, व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। दे वेयर इंक्लूडेड मेनली टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कोर्ट एंड द रोल वॉज मोस्टली असिस्टेंट टू इंग्लिश जजेस। अब इसका जुरिसडिक्शन जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस था, एंड अपील जो था वॉज अलाउड टू कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल इन केसेस वेयर सम ऑफ ₹100 और उससे ज़्यादा होती थी। अगर वैल्यूएशन ₹100 से ज़्यादा हुआ करता था तभी अपील जाता था। नोटिस टू फाइल एन अपील वॉज टू बी गिवन विद इन 48 आवर्स, अगर अपील फाइल करना है तो नोटिस दिया जाता था 48 आवर्स का, एंड ₹5 वॉज चार्ज फॉर फाइलिंग एन अपील, अगर अपील फाइल करना है तो ₹5 फी थी। सो कोर्ट वॉज फेमस फॉर इट्स इम्पार्शलिटी, स्पीडी जस्टिस एंड चीपनेस ऑफ इट्स प्रोसेस। तो ये कोर्ट जो था वो बहुत फेमस था क्योंकि इम्पार्शियल था, स्पीडी जस्टिस हुआ करता था और कोर्ट सस्ता भी था। सो एनी प्रॉपर्टी ही वॉज केप्ट इन प्रिजन सो लॉन्ग एज डेब्ट ड्यू वॉज पेड। तो इस कोर्ट के कुछ प्रोसेस थी। अब रामाकांती केस जो है वो डार्क जस्टिस एट बॉम्बे कहा जाता है। अब ये केस क्या थी, रामाकांती वॉज अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन एंड सपोर्टर ऑफ द कंपनी, एंड ऑन चार्ज दैट ही वॉज करस्पॉन्डिंग विथ वन एंग्रिया अ पायरेट चीफ, कांती वॉज अरेस्टेड। एक जो पायरेट चीफ था एंग्रिया, उसके रिलेशन इससे थे, इसलिए उसको अरेस्ट किया गया। एंग्रिया वॉज ट्रबलिंग द कंपनी, क्योंकि एंग्रिया जो था वो कंपनी को परेशान करता था। ट्रायल वॉज हेल्ड बिफोर गवर्नर बून एंड हिज काउंसिल एंड देयर वॉज नो कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट कांती, बट ऑन द बेसिस ऑफ गॉसिप कांती वॉज फाउंड गिल्टी एंड वॉज सेंटेंस टू इंडिफिनेट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हिज प्रॉपर्टी वॉज कॉन्फिसिकेटेड एंड ऑक्शन। आफ्टर कांतीज डेथ ट्रूथ वॉज आउट दैट ही वॉज इनोसेंट एंड होल ट्रायल वॉज प्लॉट, एंड दिस ट्रायल प्रूव्स दैट जस्टिस वॉज रफ एंड रेडी। तो ये जो कांती था उसके रिलेशन थे एंग्रिया से, इसलिए वो उसको अरेस्ट किया गया
और इंडिफिनिट पीरियड के लिए उसको जेल में डाला गया, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई। द कोर्ट ऑफ 1718 एबॉलिश द यूज़ ऑफ ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ जूरी ट्रायल इन डिसाइडिंग केसेस। हम जो जूरी ट्रायल शुरुआत से चलते आ रहे थे उसको भी इस कोर्ट ने बंद किया। एंड मेम्बर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ 1718 वी आर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द गवर्नर काउंसिल। जो मेम्बर्स थे कोर्ट के वो काउंसिल के भी मेम्बर्स हुआ करते थे। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ गवर्नर बोन टू चीफ जस्टिसेस नेमली पार्कर इन 1720 एंड जॉन ब्रैडी इन 1721 वे आर डिसमिस्ड फ्रॉम देयर ऑफिसेस। तो बोन के कार्यकाल में ये जो दो जजेस थे उनको डिसमिस किया गया। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट कलकत्ता। हमने शुरुआत से देखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट मद्रास बॉम्बे। कलकत्ता में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसा था? ग्रांट ऑफ जमींदारी राइट्स टू द कंपनी 1692-1726। इंग्लिश कंपनी सेटलमेंट एट कलकत्ता वॉज डिफरेंट फ्रॉम मद्रास एंड बॉम्बे। कंपनी कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम फॉर इट्स फैक्ट्री इन 1690 बाय द साइड ऑफ द रिवर हुगली इन बंगाल। मद्रास और बॉम्बे से थोड़ा डिफरेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था। यहाँ पे फोर्ट विलियम कंस्ट्रक्ट किया गया। मद्रास में जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ट किया था, यहाँ पे हुगली नदी के किनारे फोर्ट विलियम बांधा गया। 1698 में प्रिंस अजीमुशान सूबेदार ऑफ बंगाल एंड ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब ग्रांटेड जमींदारी राइट्स ऑफ थ्री विलेजेस कलकत्ता सुतंती एंड गोविंदपुर टू द इंग्लिश कंपनी एंड दिस वॉज द थर्ड मिस्टेक। जैसे शुरुआत में ही हमने देखा कि टर्निंग पॉइंट्स क्या थे। पहला टर्निंग पॉइंट था जहांगीर सैंक्शन सर्टन राइट्स, बाद में राजा चंद्रगिरी मद्रास पट्टनम में राइट्स देता है, और ये थर्ड मिस्टेक थी जहां पे औरंगजेब का जो ग्रैंडसन था प्रिंस अजीमुशान उसने तीन बड़े विलेजेस जो थे कलकत्ता सुतंती एंड गोविंदपुर उसके दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू के राइट्स कंपनी को दिए। ग्रांट ऑफ जमींदारी राइट्स एम्पावर्ड अ फॉरेन कंपनी टू एक्सरसाइज ऑल दोज पावर्स विच द नेटिव जमींदार्स वेयर ऑथोराइज। तो ये जब से राइट कंपनी को मिले तो जो नेटिव जमींदार्स ये राइट्स एक्सरसाइज करते थे अब ये सारे राइट्स कंपनी के पास चले गए। ये प्रिंस अजीमुशान हु वॉज द ग्रैंड सन ऑफ औरंगजेब। सो इन 1699 द स्टेटस ऑफ कलकत्ता वॉज रेज टू दैट ऑफ प्रेसिडेंसी एंड गवर्नर एंड काउंसिल वे आर इंटरेस्टेड विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल पावर्स। कलेक्टर हु वॉज द कंपनीज ऑफिसर ऑल्सो अपॉइंटेड द मेंबर ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल। सो दिस अगेन वॉज अ ब्लंडर बाय द मुगल किंग हु ट्रस्टेड ब्लाइंडली दिज मर्चेंट्स एंड दिस वॉज अ पॉलिटिकल शॉर्ट साइडनेस। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि ये प्रिंस अजीमुशान ने इनके ऊपर विश्वास रखा और ये जमींदारी राइट्स उनको दे दिए। अब जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस जो थे कंपनी डिसाइडेड टू अडॉप्ट एग्जिस्टिंग मुगल पैटर्न। फौजदारी कोर्ट प्रिसाइडेड बाय एन इंग्लिश कलेक्टर वाज एस्टेब्लिश टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस ऑफ द नेटिव्स ऑफ थ्री विलेजेस। तो फौजदारी कोर्ट में इंग्लिश ऑफिसर्स ने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया और जो ये तीन बड़े विलेजेस थे उनके क्रिमिनल मैटर्स वो डिसाइड करते थे। द कलेक्टर वॉज एम्पावर्ड टू डिसाइड द क्रिमिनल केसेस समरीली व्हिपिंग इम्पोजिंग फाइन्स इम्प्रिजनमेंट बैनिशमेंट और वर्क ऑन रोड्स। तो ये वेयर कॉमन पनिशमेंट्स कैपिटल पनिशमेंट वॉज कन्फर्म्ड बाय गवर्नर और प्रेसिडेंट एंड काउंसिल एट कलकत्ता। तो ये छोटी छोटी जो क्रिमिनल जस्टिसेस थे वहाँ पे बहुत बड़ी पनिशमेंट्स दिया करते थे। जस्टिस इन सिविल केसेस कलेक्टर प्रिसाइडेड ओवर अ सिविल कोर्ट कॉल्ड कोर्ट ऑफ कचहरी। सिविल कोर्ट में कलेक्टर बैठता था और जिसको कोर्ट ऑफ कचहरी कहा जाता था, जैसे आज भी हम कचहरी वर्ड यूज़ करते हैं। एंड सिविल केसेस वेर रेफर टू आर्बिट्रेटर्स बाय द कलेक्टर। कलेक्टर डिसाइड केसेस इन अ समरी वे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड यूसेजेस। जो भी ट्रेडिशनल कस्टम्स और यूसेजेस हुआ करते थे उसके बेसिस पे ये केसेस डिसाइड हुआ करते थे। कलेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ जमींदार वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम थ्री विलेजेस। एक्चुअली ये पूरे दीवानी राइट्स का पर्पस ही कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था और उसके लिए कंपनी ने कलेक्टर अपॉइंट किया था एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट द एंटायर रेवेन्यू फ्रॉम थ्री विलेजेस। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, तब तक कलेक्टर के हाथ में पूरे पावर्स आ गए थे
सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू। सो बिफोर एक्विजिशन ऑफ दिवानी बाय द कंपनी द मुगल जुडिशियल सिस्टम वॉज इन शैम्बल्स। इग्नोरेंट पीपल केम टू ऑक्युपाई द ऑफिसेस ऑफ काजी एंड करप्शन वॉज रैम्पंट। जस्टिस कुड बी परचेस्ड इंग्लिश विदाउट सीकिंग कन्फर्मेशन। तो जब तक ये कंपनी ने दीवानी राइट्स लिए थे तब तक जो जुडिशियल सिस्टम था वो बिखरा हुआ था एंड उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कंपनी ने की। तो दोस्तों ये था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एट मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।